सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है डे वन हमारे लैंसडाउन जर्नी का। वैसे इस ट्रिप पे हम दो जने साथ में आए हैं, मैं और मेरा छोटा भाई नन्नू। हम दोनों काफी समय से ट्रैवल करने की सोच रहे थे, लेकिन ये प्लान कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया हमारे पढ़ाई और कॉलेजेस के चक्कर में। बट फाइनली हम लोग दिल्ली से कोटद्वार के लिए निकल ही गए। कोटद्वार पहुंचते ही हमको थोड़ी थोड़ी पहाड़ों वाली वाइब आने लगी, लेकिन फिर भी कोटद्वार में राजस्थान जैसी गर्मी लग रही थी। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमें जाना था बाइक रेंटल वाले के पास, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही रेंटल वाले से बात कर रखी थी और साथ ही साथ उसे 500 रुपए एडवांस भी दे रखे थे ताकि वहां पर पहुंच के कोई प्रॉब्लम ना हो। गाजियाबाद से हम लोग बैठे थे और अभी यहाँ पे कितना किलोमीटर दूर हो गया, शायद 250 तो 250 किलोमीटर दूर हम लोग आ चुके हैं। लेकिन वो रेंटल शॉप रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पे था। बाहर हमने ऑटो वालों से प्राइस पूछा तो उन्होंने 200 रुपए बताया, तो हम पैदल ही निकल गए। तो गाइस अभी तो हम लोग पैदल चल रहे हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चल रहे होंगे नंदू, है ना? तो 1.5 किलोमीटर हो गया। भाई को देखो, मेरे चैनल का नाम फोन है क्या तुम्हारे पास? फोन है द रैम्बलर्स के नाम से, रैम्बलर्स। बाकी तो अभी हम लोग चल रहे हैं पैदल, और मैंने ये इसलिए ओढ़ लिया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इससे थोड़ा बहुत तो बचाव होगा। भाई कितना किलोमीटर और बचा है यार? 350 मीटर और। 350 मीटर और है। यही वाला रास्ता है जो जोशीमठ के लिए जाता है, 283 किलोमीटर है। अभी तो बस हम लोग पैदल चल रहे हैं यार। 300 मीटर कब पूरे होंगे? अभी पानी की बोतल खरीदी थी भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी हमें बाइक रेंटल वाले की शॉप नहीं दिखी। लोग बाइक रेंटल शॉप पे जाने वाले थे, लेकिन पता नहीं कौन सी गलियों में आ गए। गूगल मैप झूठ बोलता है। प्रमिला हॉस्पिटल। अरे ये तो है प्रमिला हॉस्पिटल भाई, स्मेल तो है हॉस्पिटल वाली यार, वाइब नहीं आ रही। लेकिन फिर वहां से हमें एक आंटी ने बताया कि उसकी कोई शॉप नहीं है, वो घर से रेंटल बिजनेस करता है। तो फिर हम उसके घर चले गए। वहां पे मुझे वो भैया भी मिल गए जिससे मैंने फोन पे बात करी थी। फिर हम लोग उनके कैबिन में गए और वहां पे बैठ के सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली। हमने जुपिटर बुक करी क्योंकि वो हम लोग बहुत इजीली चला सकते थे। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं लैंसडाउन के लिए। तो हम लोगों ने अभी ये जुपिटर रेंट कर लिया है, 2100 रुपए की कुछ हमको पड़ी है 2 दिन के लिए। तो अभी हम लोग जाते हैं। एक हेलमेट यहाँ पे अलाउड बता रहे हैं, पीछे वाले को हेलमेट पहनने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं बस यहाँ से हेलमेट पहन दूँ। ये थोड़ा माउंटेन वाला इलाका स्टार्ट होने वाला है। तो नन्नू कैसा लग रहा है? बढ़िया। अच्छा हुआ ना जुपिटर ले ली भाई अपन ने, सही रहा। अब पहाड़ वाला रास्ता स्टार्ट हो चुका है और हमको इतनी देर से इसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, पहाड़ों की। हमने सोच रहे थे यार पहाड़ का ये आ गया भाई पहाड़, ये देखो। तो गाइस हम लोगों को तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार, कितने अच्छे रास्ते हैं भाई, ये देखो कितने मस्त रास्ते हैं यार, सच्ची में भाई। गाइस अभी हम लोग आ रखे हैं सिद्ध बली मंदिर। ये हनुमान जी का मंदिर है कोटद्वार के, जो कोटद्वार से लैंसडाउन के लिए जो रास्ता जाता है उसके बीच में ये मंदिर पड़ता है। और आप सीन भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और ये थोड़ा सा ऊपर है पहाड़ पे, तो हम लोगों को सीढ़ियों से चल के जाना पड़ता है। और बंदर भी बहुत सारे तेरे पीछे बताओ दे पूरा, तो हम लोगों को फोन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा आईफोन लेके नहीं चलता। चलो भाई इतनी करते तो इसको रख देते हम लोग। यहाँ पे सिटिंग वगैरह बना रखी है बढ़िया। और ये रहा वो मंदिर सिद्ध बली बालाजी का, और बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक टी स्टॉल भी है बहुत अच्छा, वो देखो कितने सारे बंदर है भाई यहाँ पे। और ये पूरा रास्ता है, ये पूरा स्टेयरकेस वगैरह है, सीढ़ियाँ यहाँ पे। तो यहीं से ही मंदिर टॉप पे है मंदिर, तो यहीं से जाते हैं। तो अभी बस हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि नीचे से हम लोग आए थे तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं, ऊपर मंदिर में दर्शन करके आते हैं। सीधा ही रास्ता भी है, सीधा मंदिर का रास्ता सीधा ही है, बहुत सिंपल। और बहुत अच्छी वाइब है यार यहाँ पे, ये देखो बहुत अच्छा मंदिर है। क्यों नन्नू कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। सो गाइज ये है सिद्ध बली बालाजी मंदिर। ये मंदिर खो नदी के पास में बना हुआ है। हम दोनों ने यहाँ पे प्रार्थना की, भगवान से मनोकामना मांगी और थोड़ी देर आरती में बैठने के बाद हम लोग यहाँ से जाने लगे। लिटरली गाइज यहाँ पर आके हमें बहुत ज्यादा शांति मिली। मैं रिकमेंड करूंगा जो भी उत्तराखंड आया वो इस टेम्पल में जाके जरूर आए। सो गाइज अभी मैं सिद्ध बली मंदिर के टॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ से इसका व्यू देखो कितना अच्छा व्यू हो रहा है यार, कितना मस्त लग रहा है भाई। और ये कुछ मंदिर है और नन्नू यहीं पे बैठा हुआ है और बहुत लंबी लाइन है गाइस, इतनी लंबी लाइन है। और यहाँ पे सब लोग ऐसे मन्नत वगैरह मानते हैं तो ये बांध देते हैं ताकि उनकी मन्नत बहुत जल्दी पूरी हो जाए। और आप देखो पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं यार, कितने मस्त पहाड़ है भाई।
अभी इन वाले पहाड़ों से होते होते हम लोग जाएंगे। सच्ची में बारिश में तो और ज्यादा मजा आता है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ से सीन कितना अच्छा बन रहा है यार, कितना बढ़िया। ये मंदिर है और ये देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा सीन है यार। सच्ची में यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है ना, बहुत मज़ा आता है। ये देखो ये मंदिर का शायद ये रेजिडेंशियल एरिया होगा है ना, कैंटीन वगैरह है। ये देखो कितना अच्छी तरीके से बना रखा है यार, बहुत अच्छा है भाई। वो देख कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, वो वाला रिजॉर्ट है शायद। सच्ची में यार ये पोर्ट द्वार से लेंस डाउन का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो गाइस देखो नदी दिख गई हमको ये री, ये देखो भाई क्या बात है, मज़ा आ गया सच्ची में। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।